फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत किया है मैंने पूजा करके, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है और थर्सडे के दिन मैं व्रत रखती हूँ, गुरु बृहस्पति का व्रत रखती हूँ। और आज के दिन येलो कलर पहनते हैं, इसलिए मैंने येलो कुर्ता पहना है, येलो ड्रेस पहना है। और हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं, कभी भी पूजा वगैरह करना होता है या दियाबाती भी करते हैं तो सिर पे पल्लू होता है, तो ये फॉलो करना पड़ता है। और पूजा हो गया है मेरा, अच्छे से सब कुछ हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 घंटा लगभग लग जाता है पूजा पाठ करने में, व्यवस्थित करने में सब कुछ। आरती भी हो गया है, सब हो गया है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को कोई टिप्स देने वाली हूँ, तो आज भी कुछ ऐसा ही है। चलिए आज का जो टिप्स है वो प्रॉपर बिंदी को लेकर ही है। बिंदी के बारे में मैं आप लोगों को टिप्स देना चाह रही हूँ, और ये बेसिकली मैंने शादी के बाद फील किया है। कि एक्चुअली होता क्या है कि जैसा मैंने आप लोगों से वीडियो क्लिप शेयर किया, तो हम लोग जब बिंदी, हम लेडीज़ जब बिंदी लगाते हैं, या मम्मी लोग या कोई भी घर में जो बिंदी लगाती है, उन सब के लिए वीडियो है आज का, स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि मैं खुद वो चीज़ कर रही हूँ और उसका मैं सोल्यूशन ढूंढ रही थी कि क्या किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हम फेस वॉश वगैरह करते तो बिंदी निकाल कर मिरर पर लगा दिया, या नल पर लगा दिया, टाइल्स के सरफेस पर लगा दिया। बहुत घरों में ऐसा भी होता है कि जो हम लोग छोटा वाला मिरर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं ये वाला मिरर यूज़ करती हूँ, मेरी भाभी को मैंने देखा है, उनका भी ब्लॉग है एक्चुअली, प्रीति चौधरी करके, उनका भी ब्लॉग आप लोग देखिएगा। तो ये जो छोटा वाला मिरर है, इसके यहाँ साइड में भी बिंदी लगा देते हैं, यहाँ पे भी बिंदी लगा देते हैं, तो वॉल पे लगा दिया। तो ये हर घर का प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है, और मैं भी करती थी एक्चुअली। तो बड़ा गंदा लगता था कि अरे यार यहाँ पे बिंदी लगाया, वहाँ बिंदी लगाया, बहुत गंदा लगने लगा था। उसी का सोल्यूशन निकाला है मैंने। तो क्या करना है आपको, आपको ये वाला ऐसा जो थर्मोकोल का पेपर आता है ना, ये लेना है, पतला वाला। ये खरीदना नहीं है, और आप बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका कुछ पैसा लगने वाला है, 1 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट है। ये वाला पेपर सबके घर में होगा, कभी भी आप कोई शोपीस खरीदते हो या कभी ऑनलाइन ही कोई सामान आया होगा तो उसमें ऐसा पेपर रहता है। तो ऐसे जो पेपर होते हैं ना, ये देखिए, ये भी मैंने अमेजन से सामान मंगवाया था तो उसमें ही था। तो ऐसे पेपर मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। मेरा इसके अलावा आप ले सकते हो ऐसा पतला वाला प्लास्टिक। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबके घर में होगा, ये तो आप आपके पास होगा, ये बिल, ठीक है, कोई सा भी बिल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, होटल का बिल, बिग बाज़ार गए हो तो बिग बाज़ार का बिल, कुछ भी। तो बिल नहीं चाहिए मुझे, बिल वाला पेपर चाहिए, ठीक है, क्योंकि चिकना होता है इसलिए। और फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग के टाइम में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मैंने कैमरे का लेंस यहाँ लगाया है और आप उस साइड है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने बिंदी को यहाँ पर चिपका दिया है, ये वाली बिंदी मुझे हटानी है, तो ये मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये आराम से चिपक गया, ओके। और ये एकदम प्लेन होता है इसलिए इस पर आराम से चिपक जाएगा। फिर मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, इसे निकाल के फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, डोर साइड, जहाँ पे भी किसी का नज़र न जाए वो। अब मैं इसे यहाँ पे सेलो टेप से चिपका दूँगी। तो कैसा लगा मेरा आइडिया बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मेरा आइडिया थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली लेडीज़, और उन सबको बहुत ही बेनिफिट होगा इससे। और कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आइडिया, मेरा टिप आप लोगों को।
और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे कुछ आइडियाज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँ और शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करती हूँ मेरे ब्लॉग की। सो गाइज, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग में मैंने सोचा चलो आज बिंदी का टिप दे ही दिया, तो कुछ और भी आप लोगों से शेयर करूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं बेसिकली स्किन से रिलेटेड बातें शेयर करूँगी, और जिन लोगों का भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, एक्सेस ड्राई है या ड्राई स्किन है, उन लोगों को बहुत बेनिफिशियल होगा जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जो मेरी स्किन ड्राई है, जैसे कि हर जो लोग होते हैं उनकी स्किन अलग अलग होती है, तो मेरी स्किन जो है ड्राई है, एक्सेस ड्राई है। ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। लाइक ऐसा हो गया ना कि अगर मैं नहाने के बाद बाहर निकलते से ही क्रीम ना लगाऊँ तो मेरा स्किन पूरा फटने लगता है, पूरा वाइट वाइट पैचेस बन जाता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। और मेरा टी जोन ये वाला जो पार्ट हो गया, नोज़ वाला पार्ट, ये मेरा ऑयली है, ये वाला पार्ट ड्राई है, सी जोन भी मेरा ड्राई है, और ये वाला एरिया ऑयली है, तो काइंड ऑफ मिक्स्ड स्किन हो गया। तो हमेशा मिक्स्ड स्किन वालों का, कॉम्बिनेशन स्किन वालों का हमेशा प्रॉब्लम होती है कि कौन सा क्रीम लगाए, ऑयली मतलब ऑयली फेस वाला क्रीम लगाए या ड्राई फेस वाला क्रीम लगाए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने ऑयली वाला क्रीम लगाया है तो मेरा स्किन जो है, जैसे जो क्रीम ऑयली है, जो फेस को ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर माय फेस। बट अगर मैं ड्राई वाला क्रीम लगाती हूँ फॉर द ऑयली पर्पस, तो मेरे स्किन को और ज़्यादा वो ड्राई करता है, वो मेरे स्किन के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो पहला जो पॉइंट मैं क्लियर करूँगी वो ये है कि जिनकी भी स्किन कॉम्बिनेशन है और थोड़ा भी आपका ड्राई स्किन है, तो उनको हमेशा ही ऑयली क्रीम लगाना चाहिए, मीन्स ड्राई टू ऑयली क्रीम चूज़ करना चाहिए ठंडियों के टाइम पे, और गर्मियों के टाइम पे ड्राई टू नॉर्मल जो क्रीम है वो चूज़ करना चाहिए। अब क्रीम की मैं बात करूँ तो मैंने ना मेरे स्किन के ऊपर मल्टीपल ट्रायल लिया हुआ है, हर प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया कि पापा ये सूट हो जाए, वो सूट हो जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, ठंडियों के टाइम पे मैं हर पूरी ठंडी बोरो प्लस और बोरोलिन ही लगाती थी, बट इस साल मैंने जो क्रीम यूज़ किया है उसके बाद मुझे ना बोरो प्लस की रिक्वायरमेंट हुई, ना बोरोलिन की, और ना ही किसी विटामिन ई के टैबलेट की रिक्वायरमेंट हुई। तो कौन सा क्रीम है, तो वो है आपके सामने O3। ठीक है, ये O3 का क्रीम मैंने यूज़ किया है पूरी ठंडी में, और ये मेरे स्किन को सूट किया है, काफ़ी अच्छा क्रीम है। मैंने जितने भी अभी तक क्रीम यूज़ किए हैं उसमें O3 इज़ द बेस्ट 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 क्रीम फॉर द ड्राई स्किन, और जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए O3 बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा, उनको पिंपल्स आना शुरू हो जाएगा और स्किन में भी डार्क भी हो सकता है। ठीक है, और जिनका कॉम्बिनेशन है उनके लिए भी ऑयली ठीक, सॉरी O3 का क्रीम ठीक है, और जिनका ड्राई है उनके लिए भी ठीक है। नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी O3 का क्रीम मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो क्रीम ऑयल प्रोवाइड करता है, मीन्स इट इज़ मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, तो फिर आपके स्किन में पिंपल्स वगैरह के आने के चांसेस हो जाते हैं। ये है डे और नाइट क्रीम फॉर विंटर, O3 प्लस रेडियंट वाइटनिंग डे क्रीम SPF 30, ये आपको लेना है। और ये वाला है नाइट रिपेयर क्रीम, ये हो गया नाइट क्रीम। अब तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ठंडियों में ये यूज़ करना है, गर्मियों में फिर क्या करोगे, फिर गर्मियों में क्या करना है, आप इसका जो डे क्रीम है, ये वाला जो जार आप लेने वाले हो, इसमें डे नाइट आता है, तो इसका जो डे क्रीम है वो आप गर्मी में यूज़ कर सकते हो, समर सीजन में यूज़ कर सकते हो, बट जो नाइट क्रीम है वो समर में आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि उसमें बहुत ऑयल है और गर्मियों में ऐसे ही ऑयल आते रहता है फेस पे स्वेटिंग की वजह से या कैसे भी,
तो दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द समर, बट डे क्रीम आप गर्मियों में यूज कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक साल का, लास्ट ईयर से मैंने यूज करना शुरू किया, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिकॉज मेरा स्किन ड्राई है। उसके बाद ये जो दो क्रीम है, मैटिफाइंग जेल क्रीम SPF 50 नॉर्मल टू ऑयली, ये आपको लेना है डे के लिए। और ये वाला जो क्रीम है अल्ट्रा क्लीन O3 प्लस का, ये लेना है नाइट के लिए। ये ड्राई स्किन वालों के लिए ही है और ये गर्मियों के टाइम पे यूज़ करना है। और बात करूँ फेस वॉश की, तो ये वाला फेस वॉश यूज़ करना है और O3 प्लस ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग फेस वॉश ये यूज़ करना है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जो मैंने टिप दिया है विंटर एज वेल एज समर स्किन केयर फॉर द ड्राई स्किन, आप लोगों को अच्छा लगा हो। और किसी भी मोमेंट पे अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो मिल सकता है, मेरे लिए वो बहुत बेनिफिशियल है आपका एक लाइक। अगर आप वीडियो को देख रहे हो सिर्फ आपको प्रेस करना है, क्लिक करना है, लाइक पे क्लिक कर देना है तो वो लाइक हो जाएगा गाइस। तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में, और कमेंट भी कर दीजिए, आपके मन में जो भी कमेंट आता है पॉजिटिव आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। सो बाय बाय गाइस, लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।